हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 14th अक्टूबर 2022 के लिए। चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जोमेटो में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन जोमेटो में हमें 3.92% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। क्लोजिंग यहाँ पे एक्जैक्ट हुए 61.25 पे। तो कल ही के दिन स्टॉक का हमने एनालाइज किया था, वहां पे हमारा जरूर ओपिनियन जो है पॉजिटिव साइड का था, लेकिन आज के दिन स्टॉक नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव क्यों है उस बारे में भी हम यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा जो है चार्ट पे बताएंगे किस तरह का यहाँ पे जो है हमें पोजीशन और यहाँ पे जो है कंफर्मेशन भी जो है डाउन साइड का देखने मिल रहा था उस बारे में। तो चलिए बिना कोई समय गवाए सीधा हम बात करते हैं वन डे के चार्ट में हमें क्या देखने मिलने वाले सबसे पहले आने वाले दिनों के लिए। तो करंटली अभी स्टॉक जो है हमारे, अगर मैं वॉल्यूम की बात करें तो एवरेज सा वॉल्यूम हो चुका है। मीडियम साइज की यहाँ पे जो है कैंडल बिना दोनों के समय छोटी छोटी विक हमें देखने मिल रही है। स्टॉक करंटली 20 में 50 में दोनों के नीचे स्टॉक जो क्लोज जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी स्टॉक में ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे इंट्राडे में जितना अगर आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिले उसी को आप ग्रैब करें, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेयर में होगा वहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बात अगर मैं करूं आरएसआई की, आरएसआई 47.48 एकदम ही न्यूट्रल सा हमारा आरएसआई जो हो चुका है, जो हमें यहाँ पे दोनों साइड का इशारा देता है। उसकी वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर अभी एक डाउन साइड मूवमेंट का है। सबसे पहले हमें डाउन साइड जो अराउंड 60 के आसपास देखने मिले, अगर उसको क्रॉस करते हुए गया तो हमें यहाँ पे स्टॉक में जो डाउन साइड 58.9 के आसपास जो देखने मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा बाइंग साइड के ऑपरेशन को ग्रैप यहाँ पे करे। और यहाँ पे मैं आपको वन आर के चार्ट में बताता हूँ स्टॉक में हमें आज के दिन जो है क्यों डाउन मोमेंट के साइड में जो हमें जाते हुए देखने मिला है। बाकी अगर आप बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, जरूर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं वन आर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा वन आर का चार्ट। तो वन आर के चार्ट में से हम सबसे पहले तो जाते हैं 5 मिनट के चार्ट में, वहां पे आपको बताते हैं आज के दिन हमें किस तरह से मूवमेंट जो है देखने मिली है। तो यहाँ पे ये हमारा 5 मिनट का जो है यहाँ पे चार्ट है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे ओपनिंग की, ओपनिंग आप देख सकते हैं गैप ऑफ ओपनिंग जरूर है, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन कैंडल हमें नहीं देखने मिला है। तो यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस करते हुए गया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन हुई नहीं है। यहाँ पे तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं तुरंत फिर वापस स्टॉक आया, यहाँ पे सबसे पहला दूसरा और तीसरा कैंडल यहाँ पे बन चुका, फिर यहाँ पे डाउन साइड ट्रेंड जो है शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिल गई थी एक डाउन ट्रेंड की, यहाँ पे तीनों कैंडल जो है 5 मिनट में हमें जो है देखने मिले हैं रेड, और यहाँ पे स्टॉक में डाउन साइड जो है ट्रेंड शुरू हो चुका है। यहाँ पे हमारे जो है स्टॉक सपोर्ट को भी तोड़ते हुए जो है आया है, इसकी वजह से 3 कैंडल भी बना है, इवन 4th कैंडल भी बना है जो हमें डाउनसाइड के लिए जो है यहाँ पे रेडी कर देता है। 15 मिनट के चार्ट में भी हम देख लेते, कोई कोई यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में नहीं समझता है, तो यहाँ पे हम 15 मिनट का भी चार्ट आपको जो यहाँ पे खुल के बता देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में भी आप देख सकते हैं ये रहा हमारा ओपनिंग, यहाँ पे पहला कैंडल था कुछ नहीं हुआ, दूसरा कैंडल ग्रीन हुआ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए गया है, लेकिन ये पहला ही कैंडल है। ये दूसरा कैंडल है यहाँ पे जो ग्रीन बना, यहाँ पे जो है ग्रीन नहीं लेकिन रेड बना, तो रेड की वजह से यहाँ पे नीचे चले गया। यहाँ पे पहला कैंडल फिर रेड बना, दूसरा कैंडल भी बना, तीसरा कैंडल भी बना, यहाँ पे और वापस से डाउन साइड शुरू हो गया। तो लगातार 3 यहाँ पे हमें रेड कैंडल देखने मिली है और 4th कैंडल में तो हमने कन्फर्मेशन भी मिल चुकी है। तो यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड जो है यहाँ पे आने वाली थी, पूरा हमें कन्फर्मेशन मिल गया था। तो यहाँ पे अगर आपने इन सारी चीज़ों को देखा होगा तो ही यहाँ पे आपने जो है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब करते हुए अपना जो है यहाँ पे प्रॉफिट किया होगा। बाकी यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ हमारा जो है यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस वाला जो है वीडियो आप जरूर देख ले, आई बटन में मैंने ऐड किया ही है, उसको आप यहाँ पे देख ले, कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है आपको समझ में आ जाएगा पूरा किस तरह से हमें वो सारी चीज़ें को जो यहाँ पे देखना। तो ये अभी हमारे वन आर के चार्ट में बात करते हैं हमें
कल के दिन क्या देखें, मैं सबसे पहले मैं मार्किंग्स कर लेता हूँ, एक नया डेटा बना है उसको, यहाँ पे ये जो डेटा है उसको मैं मार्क कर करके यहाँ पे रख दिया है। बात किया, अब करते हैं हम यहाँ पे इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 61.70 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 61.45 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 62 का। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले कल के दिन, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। यहाँ पे अभी मैंने आपको कंफर्मेशन कैंडल बनाया बताया है 5 मिनट के और 15 मिनट के चार्ट में, उसी वैसे ही जो है आपको कैंडल्स को हमेशा देखना है, कभी भी नया दिन शुरू हो उसके बाद। तो यहाँ पे गैप अप हो, गैप डाउन हो, किस तरह का भी हो, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल एक बार देखने मिल गया तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, वहां पे आप वो साइड में ट्रेड ले सकते हैं, भले ही यहाँ पे जो ट्रेंड पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो, आपको कंफर्मेशन मिल जाता है तो आप वो साइड में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने भी मिलती है। बाकी आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, वहां पे हमने अलग से पूरा जो है उस बारे में समझा, तो जरूर आप उसको देख ले, ताकि यहाँ पे आपको कोई भी जो है चीज के यहाँ पे जो है यहाँ पे आप जो है ना भूले, और प्लस यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा भी वहाँ पे बताया तो उसको भी आप देख ले। तो यहाँ पे अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 61.10 का, उसके बाद क्या आता है 60.60 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 62.30 का, उसके बाद क्या आता है 62.80। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूं तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का चांसेस है कि स्टॉक में हमें 62 से लेकर 62.30 के रेंज में क्लोजिंग देखने में। बाकी गैप अप ओपनिंग हुई तो स्टॉक और भी जो ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे कल के दिन हमारा जरूर जो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड के लिए जो है ओपिनियन बन रहा है। आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।